en el Qur'an Sharif mein Allah Ta'ala khulaya mera naam Zafrullah Jamal hai main Hafiz Jamal Ahmed Saif Marish ka pota hu Hafiz Jamal Ahmed Saif kuch aur zikr bhi kare main isliye aapse baat ki ji Hazrat Hafiz Jamal Ahmed Saif ji Sheikhupuri ke rehne wale the na originally main Sheikhupuri mein jaman karne wale jaman ke the Sheikhupuri mein rishta hua tha kya wajah hai Sheikhupura mein aapki family मैं शेखपुरा रिटायरमेंट के बाद मेरे वाले साहब शेखपुरा में सेटल हो गए तभी फिर मैं शेखपुरा रहा हाजी हाफिज जमाल अहमद साहब कहाँ के थे गुजरात के आदम खान जिला जहलम जहलम के अच्छा आज ये भी मुझे तसीब हो गई मेरे जहन में शेखपुरा फिर ख्याल है शायद गुजरात वगैरह की तरफ क्यों जहलम के पिंदादुल खान के थे ठीक है और उनके बाकी रिश्तेदार भाई वगैरह सब वो अभी भी जेल में वो लाहौर लेकिन हम हमारे साथ रहते हैं उनमें से कोई भी एमडी नहीं हुए थे अच्छा हाँ जी सिर्फ हजरत हाफिज जमाल अहमद साहब हुए एमडी नहीं हमारे जो उनके वाले साहब थे वो भी एमडी थे ठीक है मोहिद्दीन हाँ तो और हाफिज जमाल अहमद साहब और उनके दो भाई थे वो नहीं एमडी हुए वो नहीं हुए नहीं ओके चचा बताया हमारे अब्बा का चर्चा होता है नहीं हुए नहीं अच्छा तो हमारे दादा जहां और उनके जो वाल साहब थे कादियान चले गए जी तो वहीं फिर शादी वगैरह के बाद मॉरिशस मुझे बताएं कि आपका खानदान जो है हाफिज जमाल अहमद साहब की तरफ से जो नस्ल है जी वो तो बकसरत फैल गई है सब दुनिया में जी बिल्कुल जी खुदा का शुक्र तमाम कॉन्टिन्यूस में पहुंच गई है जी। वो आपके बाकी अजीज थे जो गैरम जी रहे उन पर आप नजर रखिए कि क्या है उनका क्या बना कहाँ कहाँ गए किस मरतबे में पहुंचे हैं दुनिया में और दीन में और सियासत में हमें उनसे मिलने का इतफाक नहीं हुआ एक हमारे जो वाला साहब का चचा थे वो लाहौर में वो करते थे लेकिन मिले कभी नहीं वो भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे मुझे शर्त है कि आपको नहीं पता होगा और जहां मैं ये बार बार नसीहत कर रहा हूं कि अपने बुजुर्ग अबाजाद जिनको गैर मामूली खिदमतों की तौफीक मिली है उनकी तारीख जिंदा रखें और अपनी औलाद में बच्चे बच्चे को याद दिलाते रहें वहां उस तारीख का एक दूसरा वर्ख भी है वो खानदान का हिस्सा जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की नूर से फैज याफ्ता नहीं हुआ उनका क्या हुआ रूहानी लिहाज से तो एक अलग बहस है ना खुदा ने आपको बड़ी रोशनी बख्शी निजात बख्शी लेकिन दुनियावी लिहाज से उन सब का मुकाबला इस एक खानदान से जो एमडी की नस्ल से जारी हुआ ये भी उस तारुफ का हिस्सा होना चाहिए जो आपको अपनी अगली नस्लों को अपने खानदान का करना चाहिए समझिए जी लेकिन मैं उनके बारे में कुछ मैं नहीं चाहूंगा अभी तो ऑफ हैंड तो नहीं मैं आपको जो भी सुनेंगे अब हाफिज साहब के औलाद से ताल्लुक रखने वाले खा वो मॉरिशस में हों या कहीं भी हों उनको मैं याद दहानी करा रहा हूं कि अब जस्तजू शुरू कर दें वो जिंदा होंगे मौजूद होंगे उनको ट्रेस करना भी मुश्किल नहीं है तो मैं एक जायजे के तौर पर उनके हालात का वो देखें और उस जमीन में शायद दोबारा ताल्लुकात भी कायम हो सकता है उनकी अगली बस्तों में जो सही फितरत लोग हैं इस बहाने वो भी अहमियत आना शुरू हो जाए जी अब बताइए सवाल आपका